Good morning to all of you. Hope so all of you will be fine. So today we will discuss the exercise 3 of addition and subtraction. In this we will discuss about the word problem of addition. Okay, so firstly we will read it. A factory has 35,463 male laborers and 21,245 female laborers. Find the total number of labor working in the factory. That means हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें नंबर ऑफ मेल लेबर बताए हुए हैं कितनी है और फीमेल लेबर जितनी है, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स हमने बतानी है तो कितनी होंगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस. बच्चे जब भी वर्क ऐसे एडिशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब उनमें टोटल लिखा हो या फाइंड द सम दिया हो या ऑल टुगेदर हो कि मतलब उनको ऐड करके कितने बनेंगे, तो उन सब में हमारे पास क्या आती है, एडिशन आते हैं. ओके, सो हाउ विल यू सॉल्व इट. फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन कि आपको क्या क्या गिवन है. मेल लेबरर्स गिवन है एंड हेयर इज अ फीमेल लेबर्स गिवन है. आपने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर. जो फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, यानी कि ये क्या है, हमने ऐड करके आएगा ये नंबर हमारे पास. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मेल लेबरर्स एंड हेयर इज अ नंबर ऑफ फीमेल लेबर्स. एंड इन द नेक्स्ट वन यू हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ लेबर्स. ऐसे आपने सम बना के इनको ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, द नेक्स्ट इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 17,526 रेड कार्स एंड 32,530 ग्रीन कार्स एंड 6,547 येलो कार्स. हाउ मेनी कार्स डिड द कंपनी प्रोड्यूस. अब देखो इसमें क्या है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कितनी कार्स प्रोड्यूस कर रही है और हमने क्या बताना है कि कितनी कार उसने कंपनी ने प्रोड्यूस की है. फर्स्ट रेड कार्स, देखो रेड कार्स इतनी मैन्युफैक्चर हो रही हैं एंड ग्रीन कार्स इतनी मैन्युफैक्चर हो रही हैं एंड दीज आर दी येलो कार्स मैन्युफैक्चर. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, हाउ मेनी कार्स डिड द कंपनी प्रोड्यूस. डैट मीन्स कंपनी ने कितनी कार्स प्रोड्यूस किया. अब ये भी क्या आ गया, एज अ टोटल ही हो गया. अगर हमारे पास देखें कि कितने उसने टोटल कार्स की प्रोडक्शन हुई है, वहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस रेड कार्स कितनी कंपनी ने प्रोड्यूस किया रेड कार्स 17,526. आप ऐसे इनको प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे, देन ग्रीन कार्स दिस वन एंड येलो कार्स दिस वन एंड द येलो कार्स इज दिस. अब देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, यानी कि जो 10,000 वाली प्लेस पर आपके पास डिजिट नहीं है तो आपने जब भी नंबर्स की प्लेसिंग स्टार्ट करनी है तो वन से स्टार्ट करनी है, डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. तो इस तरह आपने जब इसकी अरेंजमेंट करोगे तो आपने एडिशन करके आंसर फाइंड आउट करना है. ऐड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वंस प्लेस 6 प्लस 0 6 प्लस 7 डैट इज द 13, सो 3 हियर 1 कैरी. नेक्स्ट प्लेस पर चला जाते हैं, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 डैट इज 10 0 राइट हियर 1 कैरी. 5 प्लस 5 10, 11, 11 प्लस 5, 16, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा. 7 प्लस 1, 8, प्लस 2, 10, प्लस 6, डैट इज़ द 16, तो 1 अगेन कैरी. 3 प्लस 1, 4, प्लस 1, 5. सो द कंपनी टोटल कार प्रोड्यूस बाय द कंपनी इज 56,603. यू हैव टू डू इट बाय दिस वे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर 15,665 पैसेंजर्स इन अ ट्रेन आर एट नेक्स्ट थ्री स्टेशन 25,684 मोर पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन. हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन ट्रेन नाउ. सो फर्स्ट रीड इट केयरफुली एटलीस्ट वन और टू टाइम, देन यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन. कि एक ट्रेन है उसमें इतने पैसेंजर्स हैं 15,665. दीज नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर इन अ ट्रेन एट नेक्स्ट थ्री स्टेशन, यानी कि जब वो ट्रेन रुकी है थ्री स्टेशन पर, उसके बाद उसमें इतने पैसेंजर्स बोर्ड यानी कि उसके ऊपर ट्रेन के अंदर चढ़ गए. ओके, तो कितने पैसेंजर्स ने बोर्डेड किए ट्रेन 25,684. सो हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन द ट्रेन नाउ. तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं अब ट्रेन में आफ्टर बोर्डिंग. पहले तो इतने पैसेंजर थे ट्रेन में, पैसेंजर्स आर इन अ ट्रेन इक्वल्स टू दिस वन, मोर पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन दिस इज, and passengers are there in a train now. You have to add it and you have to got the answer. The next is, Rani deposits 65,445 rupees in a bank. Again she deposits rupees 15,506 in the bank. How much money she deposit in the bank altogether? अब देखो रानी ने सबसे पहले
बैंक में इतनी मनी डिपॉजिट करवाई है एंड आफ्टर सम डेज, यानी कि दोबारा उसने या कभी भी इतनी मनी अगेन डिपॉजिट करवा दी 15,500। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी मनी उसकी बैंक में ऑल टुगेदर हो गई है, डैट मीन्स कलेक्टिव जो इन दोनों मनी को ऐड करके जो आंसर आएगा डैट इज द आंसर। ओके सो फर्स्टली हाउ विल यू राइट, शी डिपॉजिट मनी इन अ बैंक इक्वल्स टू दिस वन एंड शी अगेन डिपॉजिट मनी दिस सिक्स एंड टोटल मनी डिपॉजिट इन द बैंक। ओके